नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं जीवीएन 24 न्यूज। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक अपने एक दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंची, जहां उन्होंने समाहरणालय सभाकक्ष में आकांक्षी जिला के तहत चलाए जा रहे केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने समीक्षा के दौरान किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की योजना पर कार्य करने का निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र सरकार जिन योजनाओं को गरीबों के और आम लोगों के लिए जिले में लागू करना चाहती है, उस पर अधिकारियों को काम करना चाहिए। उन्होंने अमृत सरोवर योजना को जिले में लागू किए जाने पर कहा कि जिला प्रशासन इस पर बेहतर तरीके से काम कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए सुश्री प्रतिभा भौमिक ने कहा कि समीक्षा के दौरान ये देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो किसानों के लिए फसल बीमा योजना लाई गई थी, उसकी झारखंड में आवेला की गई है। इस योजना को लागू नहीं किए जाने से किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य में खनिज संपदा की कमी नहीं है, बावजूद राज्य गरीब है। इस पर राज्य सरकार और यहां रहने वाले लोगों को इस पर सोचना चाहिए। राज्य में सबसे अधिक भाजपा के द्वारा शासन किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आज राज्य की सड़कें अगर दुरुस्त हैं तो वह भाजपा की देन है। भाजपा ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में राज्य में काफ़ी काम किया है।